मौज मस्ती चाहिए, शिव तीर्थ आइए सातपुड़ा के हिल स्टेशन पर। डैम वैली जंगल से घिरा विदर्भ का सबसे बड़ा, सबसे अलग बेस्ट पिकनिक स्पॉट, वाटर पार्क के साथ बोटिंग, एग्रो एडवेंचर इत्यादि। विदर्भ में पहली बार मुंबई गोवा वाली बोटिंग, इसीलिए मुंबई गोवा छोड़िए, शिव तीर्थ आइए। स्कूल, फैमिली, ऑफिस पिकनिक, बर्थडे, शादी, नाइट कैंपिंग के लिए सबसे बेस्ट पिकनिक स्पॉट। हमारा पता उमरी डैम, सावनेर, नागपुर। जल्दी संपर्क करें, भूल ना जाना शिव तीर्थाना। दीपावली के अवसर पर पांडुरंग में शुरू हो गया है जनता सेल। जी हाँ, जनता सेल, जहाँ आपको मिलेगी 40 रुपए से सभी प्रकार की वैरायटी के साथ प्लास्टिक के घरेलू सामान, पानी बॉटल, फ्रिज बॉटल, टिफिन, टिफिन बैग, स्कूल बैग, हॉट पॉट, घड़ी, कुकर, किचन सेट, मिक्सर, सुंदर पायदान और घरेलू सजावट की एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं। सेल में एक बार अवश्य पधारें और इस दीपावली में अपने घर को सजाएं सुंदर वस्तुओं से। हमारा पता जनता सेल, दुल्हन साड़ी सेंटर के बाजू में, पुलिस थाना के पीछे, पांडुरना। 72 साल के पद्मश्री प्राप्त IITN किरण सेठ बिना गियर की साइकिल से 3 जोड़ी कपड़े लेकर देश की यात्रा पर निकले हैं। 15 अगस्त से साइकिल यात्रा श्रीनगर से प्रारंभ की है। कन्याकुमारी में यह यात्रा खत्म होगी। मंगलवार को सुबह 10:30 बजे VPWD विश्राम ग्रह पहुंचे, जहां उनका स्वागत तहसीलदार वीर बहादुर सिंह धुर्वे, पटवारी जितेंद्र धुंडे, मिथिलेश उइके, भरत चौकसे, वैभव आखरे, राकेश नांदेकर, मधुकर गायकवाड़, प्रदीप कामदार और छात्र छात्राओं ने पुष्प वर्षा कर किया। कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 2009 में पद्मश्री प्राप्त किरण सेठ ने अपनी यात्रा के 3 उद्देश्य बताए। पहला, पर्यावरण संरक्षण, व्यायाम और मेडिटेशन के लिए साइकिल चलाना जरूरी। दूसरा, भारतीय हस्तशिल्प, शास्त्रीय संगीत, योग और अन्य ऐतिहासिक क्रियाकलापों का प्रचार प्रसार करना। और तीसरा, गांधी के विचारों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है। उनका मानना है कि गांधी के विचार बहुत महान है, आज की पीढ़ी इसे पढ़कर आत्मसात करे। ये यात्रा मैंने शुरू करी 15 अगस्त को श्रीनगर से और कोशिश कर रहा हूँ जाने के लिए कन्याकुमारी। अच्छा। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि सब जानते हैं कि शरीर के लिए अच्छा होता है, पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। दूसरा उद्देश्य ये स्पिक में के सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स यूथ। इसका उद्देश्य ये है कि हम अपनी शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक कलाएँ, हस्तशिल्प, योग और ध्यान उस बच्चों में ले लें, स्कूल और कॉलेजों में। तीसरा उद्देश्य ये है कि आजकल हम थोड़ा सा महात्मा गांधी को थोड़ा भूल रहे हैं, उनके उच्च विचार और साधारण जीवन। तो मैंने ये साइकिल जो ली है इसमें कोई गियर नहीं है और मेरे 3 जोड़ों कपड़ों के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ ये यात्रा करने की। किरण सेठ की यात्रा का अगला पड़ाव महाराष्ट्र में होगा। वे नागपुर वर्धा के रास्ते आंध्र प्रदेश में प्रवेश करेंगे, चेन्नई से होकर कन्याकुमारी तक सफर पूरा करेंगे। आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर में शिक्षाविद रह चुके हैं। स्मार्ट लोगों की पसंद, फ्रेश मार्ट। महानगरों के बदलते बाजारों की श्रृंखला अब पांडुरना में। बांबल बंधु लाए है फ्रेश मार्ट सुपर मार्केट, किराना एंड जनरल, डेली नीड्स, ड्राई फ्रूट्स, किराना, बिस्किट एंड चॉकलेट, क्लीनिंग प्रोडक्ट और बहुत कुछ एक ही छत के नीचे। सभी सामान डेली डिस्काउंट के साथ। अब दुकान दुकान घूमने की झंझट से छुटकारा, बचाओ अपना पैसा और समय, क्योंकि फ्रेश मार्ट आपको एक ही छत के नीचे देगा घर की जरूरत का सारा सामान। तो आज ही खरीदारी करने पधारिए फ्रेश मार्ट सुपर मार्केट। फ्रेश मार्ट सुपर मार्केट, पता SBI ATM के बाजू में, महेश्वरी कॉम्प्लेक्स, पंचशील चौक, पांडुरना। पांडुरना के कराटे खिलाड़ियों ने हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में अपना जलवा बिखेर कर 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल, वहीं अन्य 3 खिलाड़ियों ने सिल्वर और ब्रांज मेडल जीता है। कराटे खिलाड़ी अरुण यदुवंशी और आयशा पटेल ने गोल्ड मेडल जीता। इसी तरह आयशा पटेल, दिव्यानी चौरे और निकिता कोड़ापे ने सिल्वर मेडल और वेदांत तैकित ने ब्रांज मेडल सहित ट्रॉफी और प्रमाण पत्र जीता है। मंगलवार दोपहर कराटे विजेताओं के पांडुरना लौटने पर रेलवे स्टेशन पर पार्षद दुर्गेश उइके सहित पालकों और रेलवे कर्मियों ने हार पहनाकर उनका स्वागत किया।
कराटे प्रशिक्षक सुनील चौरे ने बताया कि टूर्नामेंट में बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के राज्यों से खिलाड़ी पहुंचे थे। जीत दर्ज करने पर खिलाड़ियों का स्वागत तेलंगाना विलयन डॉक्टर सुमन तलवार ने किया और आगे की प्रतियोगिता के लिए बांग्लादेश, श्रीलंका जाने के लिए आमंत्रित किया। आप लोगों ने जीत हासिल, इंटरनेशनल टूर्नामेंट था सर हैदराबाद। क्या हुआ उसमें? वहाँ से बच्चों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और कांस्य पदक लाया है और इसका एशियन गेम होगा अभी बांग्लादेश या श्रीलंका जी, उसमें अपने बच्चों का ये होगा अभी सिलेक्शन होगा।